बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक माई चैनल। जी तो दोस्तों, रायवेंट लाहौर तबलीगी इज्तिमा के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, तो आज आपको आंखों देखा हाल दिखा रहा हूँ मैं। तो हम भी पहुँचे हैं दोस्तों, हफ्ते वाली रात तकरीबन 1 बजे हम पहुँच चुके हैं जी रायवेंट। तो ये फजर के बाद का मनाजर है। हमने भी सरगोधा बनू वाले हल्के में डेरा लगाया है, तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा लाखों का ये मजमा होता है, और देख सकते हैं कि उम्दा इंतज़ामात, और ये वुज़ू की जगह है, कुदरती गर्म पानी के इधर चश्मे होते हैं, और लाखों का मजमा ये आप देख सकते हैं। सिर्फ इधर पंडाल की तरफ से बांस होते हैं, और हर जुमातें अपनी तरपालें आके अपने हल्के में लगाते हैं। तो हम भी पहुँचे तो हमें भी ये सरगोधा वाले हल्के में जगह मिल गई, तो इधर आके हमने रात गुजारी, आराम किया, तो फजर की नमाज़ के लिए उठे, और फिर नाश्ते की तैयारी है। ये देख सकते हैं बयान जारी है, हिदायात बुज़ुर्ग दे रहे हैं, तो लोग आराम से बैठे सुन रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम इनके, गाड़ियों की पार्किंग, वॉशरूम का इंतज़ाम, तो ये कैंटीन का इंतज़ाम आप देख सकते हैं। ये तामगाह है रावलपिंडी की, तो देख सकते हैं रेट कितने सस्ते इधर हैं। 70 रुपये की गोश्त मुर्गी की प्लेट, 50 का हलवा, 50 के चने, और 30 की बहुत बड़ा कप चाय। तो हम भी आए हैं ये नाश्ता करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा रश था, लाइनों में लग के टोकन लेने पड़े। तो अभी दिखाते हैं आपको कि नाश्ता भी इधर उम्दा मिलता है, और ये सामने आपको मैं वॉशरूम का बता रहा था, बिल्कुल पक्के वॉशरूम, और ये बाथ बने हुए हैं, नहाने का भी इंतज़ाम है इधर। तो ये नाश्ता हमारा तकरीबन नंबर आ चुका है, ये देख सकते हैं जी, चने, हलवा, मुर्ग आलू, और ये साथ में गरम रोटियां, और चाय हमने बाद में ली है। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता था।